मुरादाबाद में बीते दिनों सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रोग्राम कवरेज के दौरान दो पत्रकारों के साथ मारपीट मामले को लेकर अमरोहा में पत्रकारों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मुरादाबाद में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रोग्राम में दो पत्रकारों के साथ मारपीट हुआ, उन पर दर्ज मुकदमे की तत्काल वापसी को लेकर अमरोहा में पत्रकारों ने मोर्चा खोला, जहां प्रेस क्लब अमरोहा के अध्यक्ष परवेज सहारा व पदाधिकारी पत्रकारों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी उमेश मिश्रा को सौंपा, जिसमें उन्होंने पत्रकारों के खिलाफ दर्ज को तत्काल वापस लेने और घायल पत्रकारों को 2 लाख रुपए साथ ही आर्थिक सहायता के रूप में देने, साथ ही पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। बता दें, ज्ञापन देने वालों में प्रेस क्लब अध्यक्ष परवेज सहारा, सैयद जमशेद, समीर खंडेवाल, विनीत अग्रवाल, दिनेश प्रजापति, ओमकार प्रजापति, तालूत अंसारी, सुहेल अहमद, मयंक शर्मा, आशीष कुमार, उवेज खान, शाहरुख खान, गौरव श्री माली, मोहम्मद माजिद, मनोज पवार, अनिल चौहान, बीके आर्य, मोहम्मद नकी आदि मौजूद रहे। यहाँ पर हम सारे पत्रकार अमरोहा के यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे। मुरादाबाद में बीते दिनों मुरादाबाद में पत्रकारों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की थी और मुकदमे दर्ज कराए थे। हम आज मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम साहब को दिया है कि उनके मुकदमे वापस लिए जाए। आज हम सभी ने मुरादाबाद की घटना पर रोष जताया है और जिलाधिकारी उमेश मिश्रा जो अमरोहा के हैं उनको हमने ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री के नाम संबोधित और मांग की है कि जो मुरादाबाद में पत्रकारों पे ये बेमियादी मुकदमे दर्ज हुए उन्हें तत्काल वापस लिया जाए। अमरोहा से मोहम्मद शाहनवाज की रिपोर्ट।